नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुरुवार को जामिया यूनिवर्सिटी इलाके में नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के सामने की सड़क पर गोली चलाने वाले शख्स ने रिवॉल्वर लहराते हुए चिल्लाकर कहा, ये लो आजादी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, जामिया मिलिया मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान विवादित भाषण देने के लिए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने ठाकुर पर 72 घंटे यानी कि 3 दिन और प्रवेश वर्मा पर 4 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने से बैन लगा दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने इन दोनों को बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाने का आदेश दिया था। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर केंद्र का समर्थन किया है। शिवसेना ने इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करने और शर्जील इमाम जैसे कीटों को तुरंत खत्म करने की सलाह दी। बता दें, शर्जील इमाम द्वारा असम को भारत से काटने के भाषण के बाद राजद्रोह का केस कर दिया गया है और बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राहुल गांधी ने आज केरल के वायनाड में रैली की, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि भारतीयों को नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी कौन होते हैं, किसने उनको इस बात का लाइसेंस दिया है ये तय करने को कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और गोडसे की विचारधारा एक ही है, बस एक बात को छोड़कर कि मोदी में इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि वो गोडसे में विश्वास करते हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हरिनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने गुरुवार को फिर विवादित बयान दिया। तेजेंद्र बग्गा ने लिखा कि शाहीन बाग देशद्रोह का अड्डा बन चुका है। 11 तारीख को नतीजे आते ही सबसे पहले इन अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। निर्भया गैंगरेप केस के दूसरे दोषी अक्षय को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उसकी भी क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब मुकेश की तरह अक्षय भी राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर सकता है। बता दें कि मुकेश की दया याचिका सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। चारों दोषियों को 1 फरवरी को फांसी होगी या नहीं, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। निर्भया केस के दोषियों ने फांसी पर रोक के लिए दिल्ली के पटियाला कोर्ट का रुख किया है। दोषियों के वकील का कहना है कि उनमें से एक ने बुधवार को दया याचिका डाली है और अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। बता दें, दोषी विनय शर्मा ने बुधवार को ही दया याचिका डाली है। वकील ने दलील दी है कि नियमों के अनुसार एक ही अपराध में शामिल अपराधियों को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उनकी दया याचिका सहित सभी कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाते। चीन में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस से संक्रमण का भारत में पहला मामला सामने आया है। केरल में चीन से लौटे छात्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि की गई। छात्र चीन के वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। मरीज की हालत स्थिर है और डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि चीन में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 170 लोगों की मौत हो चुकी है। टॉमटॉम यातायात इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 शहर शीर्ष 10 में रहे हैं, जिनमें ट्रैफिक की भारी समस्या है। इस इंडेक्स के अनुसार बेंगलुरु 71% के साथ शीर्ष पर है, तो मुंबई, पुणे और नई दिल्ली भी 4थे, 5वें और 8वें स्थान पर हैं। शीर्ष 10 में बाकी शहर फिलीपींस से मनीला, कोलंबिया से बोगोटा, रूस से मॉस्को भी शामिल हैं। बता दें, लोकेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ टॉमटॉम ने यातायात इंडेक्स के नतीजे प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 57 देशों के 416 शहरों में यातायात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। चीन में फैले कोरोना वायरस के कारण लगभग 170 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद चीन के वरिष्ठ अर्थशास्त्री झांग मिंग ने आशंका जताई है कि इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और चीन की आर्थिक वृद्धि दर 5% से नीचे आ सकती है। बता दें, चीन की 2019 की 4थे क्वार्टर की आर्थिक वृद्धि दर 6% बताई गई है, जिसके बाद 1% की गिरावट की आशंका जताई गई है। दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने के बाद विरोध कर रहे लोगों ने छपाक का बहिष्कार किया था और रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट IMDB पर भी फिल्म के खिलाफ वोट किए, जिसकी वजह से इसको एवरेज रेटिंग यानी कि 4.6 मिली थी। और अब इस मामले पर दीपिका का बयान सामने आया है। दीपिका ने कहा है कि उन्होंने मेरी IMDB रेटिंग बदली है, मेरा मन नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।